लास्ट क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए कहता है कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट और कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को क्या बोलते हैं पावर। रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस डिफिनेशन में एक डिसिपेटेड वर्ड एंड कंज्यूम वर्ड है जो हमें समझ में नहीं आ, और जब तक आप इन दोनों वर्ड को नहीं समझेंगे आपको पावर का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, एक बल्ब मान लीजिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से 5 जूल का एनर्जी लिया और ये बल्ब 5 जूल एनर्जी यूज कर दिया, तो जो 5 जूल का एनर्जी लिया बोलेंगे कि 5 जूल का एनर्जी क्या किया, कंज्यूम किया, और ये एनर्जी को जो यूज कर दिया बोलेंगे कि ये 5 जूल का एनर्जी को डिसिपेट किया। यानी कि जो एनर्जी लेगा यानी कि बोलेंगे कंज्यूम किया, जो एनर्जी यूज हो गया उसको बोलेंगे एनर्जी डिसिपेट हुआ। अब आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि सर ये 5 जूल एनर्जी कंज्यूम किया है तो क्या 5 का 5 यूज कर देगा? ऑफकोर्स जो लिया सब यूज कर देगा, जैसे भी यूज करे कर देगा, मतलब यहाँ पे 5 जूल का एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा अगर 5 लिया है तो। हाँ, मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर 5 जूल ले लिया जब करंट था, यानी कि जब हम लोग सोर्स से कनेक्ट किए थे बैटरी से कनेक्ट किए तो 5 जूल ले लिया, तो हम क्या करेंगे कि 3 जूल हम यूज कर लेंगे और 2 जूल क्या कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे। और ये कब यूज करेंगे, जब लाइट यानी कि बैटरी को डिसकनेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या यहाँ पे अकाउंट चल रहा है कि 5 रुपया ले लो पापा से और 3 रुपया का चॉकलेट खा लो, 2 रुपया बचाओ अगले दिन खाना होगा चॉकलेट, ऐसा नहीं है। ये है कि जितना ले रहा है उतना यूज कर देगा, क्लियर? यानी कि जितना कंज्यूम किया उतना डिसिपेट करेगा जब तक कनेक्ट है, क्लियर? मान लीजिए बल्ब है, अब यहाँ पे 5 जूल का एनर्जी जा रहा है थ्रू द सोर्स, तो वो क्या करा होगा, जितना ले रहा होगा उतना डिसिपेट कर रहा, उतना यूज करते जा रहा होगा। अच्छा थोड़े लिया 5 जूल, 2 जूल यूज किया, 3 जूल छोड़ दिया या जब जमा कर लिया, ऐसा नहीं होता है, क्लियर? जो एनर्जी मिल रहा है उसको यूज करते जाएगा, यानी कि 5 जूल एनर्जी ले रहा है तो 5 जूल का एनर्जी यूज करते जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी लेते जाएगा ये यूज करते जाएगा, यानी जो लेगा कंज्यूम और जो यूज करते जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिसिप्लेट, क्लियर? यानी कि डिसिपेट और कंज्यूम का मतलब समझ में आ गया। अब इसको डिफिनेशन को समझते, पावर को समझते। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने एक सर्किट कंसीडर किया है और सर्किट में हमने बल्ब को कनेक्ट किया और एक बैटरी का, बैटरी के पास पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये बल्ब इस बैटरी से कितना एनर्जी ले रहा है, ई, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये बल्ब बैटरी से ई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कितने देर तक, मान लीजिए टी टाइम तक। जैसे मान लीजिए जो ट्यूबलाइट जो लगा हुआ है वो सोर्स से ई एनर्जी ले रहा है, अब ई एनर्जी ले रहा है तो कुछ देर तक ले रहा होगा, जब तक एनर्जी ले रहा होगा तब तक क्या कर रहा होगा, जल रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा, तो कुछ टाइम तक तो ना। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है 5 घंटे तक चला, यानी कि 5 घंटे तक वो इलेक्ट्रिकल सोर्स से एनर्जी लेते रहा है, 5 घंटे तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते रहा यानी कंज्यूम किया, कितने देर तक, 5 घंटे तक। पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है तो क्या कर रहा है, सोर्स से इलेक्ट्रिकल सोर्स से क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। मान लीजिए पंखा 2 घंटे चला, यानी 2 घंटे तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते रहा है, एनर्जी को कंज्यूम करते रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो बल्ब जो है ये बैटरी से ये एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, कितने दर तक, टी टाइम तक। इसमें ऐसे भी बोल सकता हूं कि बल्ब ये एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है कितने देर तक, टी टाइम तक, यानी कि कितना एनर्जी को यूज कर रहा है, टी टाइम तक, ग्लो करने के लिए, क्लियर? अच्छे समझेंगे सारा वर्ड तब जाकर आपको अच्छे से इलेक्ट्रिक पावर समझ में आएगा, क्लियर? तो अगर ये बल्ब
ई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन टाइम टी, तो पावर क्या हो जाएगा, तो पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, यानी कि इस बल्ब का पावर कितना हो जाएगा ई बाई टी, यानी कि इस बल्ब को पावर कितना दिया जा रहा है एनर्जी बाई टाइम यानी ई बाई टी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये बल्ब इस बैटरी से एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। अब यही समझना चाहते हैं कि ये बल्ब इस बैटरी से एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, क्लियर। चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ये बैटरी इस बल्ब को क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज भेज रहा है, क्लियर। अब भेज रहा होगा तो ये बैटरी इस पे कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, बिना वर्क किए हुए कैसे वहां तक जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि ये बैटरी इस चार्ज पे वर्क कर रहा होगा तभी यहाँ पे जा रहा होगा बल्ब के पास। अब यही वर्क इस चार्ज में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये मान लीजिए बैटरी जो है क्यू अमाउंट का चार्ज बल्ब के पास भेज रहा है, और ये क्यू चार्ज तो ऐसा ही नहीं किया होगा, बैटरी इस पे कुछ न कुछ वर्क किया होगा तभी। अब जो इस चार्ज पे वर्क हो रहा है यही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ये चार्ज अगर बल्ब के पास जा रहा है, इट मींस एनर्जी ई लेकर जा रहा है, नहीं समझ में आया ना, जो इस पे वर्क किया जा रहा है थ्रू द बैटरी यही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब ये चार्ज यहां पे जाएगा मतलब ये एनर्जी लेकर जाएगा, बात समझ रहे हैं, यानी कि ये चार्ज जा रहा है इट मींस ये बल्ब के पास एनर्जी जा रहा है, ये एनर्जी कौन दे रहा है, ये बैटरी दे रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि बल्ब बैटरी से एनर्जी दे रहा है थ्रू दी चार्ज, क्लियर। यानी कि इस बल्ब के पास एनर्जी आया बट किसके थ्रू, चार्ज के थ्रू, क्लियर। और इस चार्ज के पास कौन एनर्जी दिया, ये बैटरी दिया वर्क करके, क्लियर। अब ये चार्ज कितने टाइम तक जा रहा है, मान लीजिए तक, तब तक चार्ज जा रहा है तब तक वो एनर्जी उसको मिल रहा है, क्लियर। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी भी चार्ज को वर्क किया जा रहा है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर Q चार्ज पे वर्क W किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V Q। अब जो वर्क ये चार्ज पे किया जा रहा है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहा है, इट मींस हम वर्क को इक्विवेलेंट कर देंगे किसका, एनर्जी का, तो इसके जगह पे क्या कर देंगे, एनर्जी रख लेंगे ई, तो वी क्यू हो जाएगा। अब E इक्वल टू वी क्यू आ गया, तो क्या इस E के जगह पे मैं इस वी क्यू को रख सकता हूं, ऑफकोर्स देयर फोर P इक्वल टू वी क्यू बाई टी, हमने E के जगह पे क्या कर दिया, वी क्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक चीज और प्रोसेस को मॉडिफाई कर देता हूं, वी क्यू बाई टी कर सकता हूं इस तरह से, क्यू बाई टी, देखिए ध्यान से देखिएगा, सिंस I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, क्या इसके जगह पे I को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यस, क्योंकि बराबर है, देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, और इसके जगह पे क्या रख दूं, I, यानी कि ध्यान से सुने, ध्यान से यानी कि अगर इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, तो इसको पावर कितना मिलेगा थ्रू दी सोर्स, तो पावर मिल जाएगा वी इंटू आई, कितना मिलेगा पावर, वी इंटू आई, यानी कि इस बल्ब के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, इस बल्ब के पास पावर क्या हो जाएगा, वी इंटू आई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी यानी कि पावर इक्वल टू वी आई, आप लोग याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में सब काम आएगा। और भी फॉर्मूला है तो चलिए और आगे फॉर्मूला देख लेते हैं कुछ नोट करके, इक्वल टू वी आई, सिंस वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, अब इस वी के जगह पे क्या करेंगे, आई आर को रख देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर,
आई पहले से है, आई आई क्यूब हो गया तो आई स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो गया। यानी कि फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब करंट देगा और रेजिस्टेंस होगा तब यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट होगा तब। क्लियर? चलिए और फॉर्मूला है और भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। नोट नंबर टू, P इक्वल टू क्या है, वी आई, वी इक्वल टू आई आर होता है, वेरी गुड। अब यहां पे क्या करते हैं, अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे आई स्क्वायर आर, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। अब इस आई की जगह पे क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे क्योंकि बराबर है, देयरफॉर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पे वी बाई आर आर स्क्वायर इंटू आर, ये वी स्क्वायर नीचे में आर स्क्वायर आर, ये कैंसल तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया, वी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये कब यूज करेंगे, जब रेजिस्टेंस दिया होगा पोटेंशियल दिया होगा तब पावर निकालने के लिए हम यूज करेंगे। क्लियर? यानी कि तीन चार फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया, फर्स्ट फॉर्मूला हमने बताया P इक्वल टू वी आई, दूसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड देन तीसरा हमने अभी बताया वी स्क्वायर बाई आर, और जो डिफिनेशन था एनर्जी बाई टाइम ये भी आप रख लीजिए। क्लियर? ये फॉर्मूला जो भी हमने बताया सब आपके माइंड में होना चाहिए, सारा का सारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? चलिए एक और मजेदार चीज आपको बता दूं, यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एक्चुअली हम लोग नाइन्थ में ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक ऑफ यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, उसको फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे यूनिट जो होता है पावर का वो होता है वाट, क्या होता है वाट। क्लियर? यहाँ देखिए P इक्वल टू क्या होता है एनर्जी बाय टाइम, तो यहाँ पे क्या हो गया वाट, और ये क्या हो गया जूल, और ये क्या हो गया सेकेंड। अब दोनों तरफ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वाट इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड। क्लियर? ये कॉमर्शियल यूनिट भी होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि बहुत आपको यूज पड़ेगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर होता है। क्लियर? अब देखिए वन किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, और कैसे होता है ऑलरेडी चलिए दिखाई देता हूं कैसे होता है, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि सर। देखिए 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। देखिए कैसे होता है, 1 किलो वाट आवर, देखिए के की जगह पर क्या कीजिए 1000 रख दीजिए, वाट एज इट इज रहने दीजिए, आवर का मतलब 3600 सेकेंड। क्लियर? और वाट को एलिज, तो वन किलो वाट 30 ये 20 तो कितना हो गया 36 × 10⁵ वाट, और ये आपका ये सेकेंड रह गया और ये आपका वाट रह गया। अब ध्यान सुनिए, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल देता हूं तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, यानी कि 3.6 यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, और ये सेकेंड वाट इक्वल टू, अब हमने पढ़ा जूल पर सेकेंड, अब इसके जगह क्या कर देंगे जूल पर सेकेंड, एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3.6 × 10⁶ यानी कि 1 kWh इक्वल टू इतना होता है। ये ऑलरेडी 9th क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला, बट फिर से यहाँ पे यूज है इसलिए फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? याद रखेंगे इसको 1 kWh इक्वल टू कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर? एक और चीज,
नोट करके 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहा जाता है। क्लियर, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶। क्लियर, याद रखेंगे ये चीज। देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल दिखाता हूं किसी को कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए 20 यूनिट्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। तो देखिए कैसे, हमको पता है कि 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, और उसका मतलब 3.6 × 10⁻⁶। तो 1 में कितना जूल, तो कितना पूछा है 20 यूनिट में। तो सिंपल क्या करेंगे, 20 टाइम्स कर देंगे 3.6 × 10⁻⁶ का, कितना हो गया 72 × 32 × 0 × 8 decimal 6। अगर मैं 50 से बोलूं तो 50 यूनिट में कितना होगा, तो सिंपल यार 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 में बोलेगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये वाला आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, अब इसका इतना दूर बराबर होता है। क्लियर, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा, एक्सेस यूज होगा। क्लियर, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है, एंड देखते हैं दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू आर 220 वोल्ट जनरेटर, द इलेक्ट्रिक करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 1 का सॉल्यूशन, I इज गिवेन हाउ मच 0.5 एम्पियर, एंड देन हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। क्या पूछा है, पावर पूछा है। तो P इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, I दिया और V दिया है, तो पावर वी आई के फॉर्म में एक होता है फॉर्मूला वी आई, वी की जगह कितना रखते हैं 220, I की जगह जितना 0.5, ये कितना हो जाएगा आपका 110। पावर निकाले हैं तीनों, क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, सिंपल। V दिया हुआ था, I दिया हुआ था, पावर निकालना था, तो वी आई कर दी मल्टीप्लाई। बट क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पर्पज से भी। क्लियर, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए सेकेंड नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, ये रेटेड वाट आप समझिएगा ध्यान से, ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑपरेट इट फॉर 30 डे एट 3 रुपीज पर किलोवाट। पता है एक रेफ्रिजरेटर है और उसका पावर कितना है 400 वाट, एंड इस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट किया जा रहा है, यानी कि चलाया जा रहा है 8 घंटा पर डे, यानी कि एक दिन में इस रेफ्रिजरेटर को 8 आवर तक चलाया जा रहा है। कहता है कि कितना कॉस्ट होगा जब इसको 30 दिन चलाया जाएगा तब, और 1 किलोवाट आवर का पैसा कितना दे रहा है 3 रुपया दे रहा है, यानी कि 1 किलोवाट आवर का कितना खर्च है 3 रुपया। तो कहता है कि अगर इस रेफ्रिजरेटर को 30 दिन चलाएंगे 30 डे तो कितना खर्च होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए कैसे करके क्वेश्चन बनाएंगे, तो एक काम करते हैं जो जो डाटा दिया है वो हम लिखते जाएंगे। तो पहला दिया है पावर, कितना दिया है बाबू 400 वाट। अब एक दिन में कितना घंटा चलाया जा रहा है 8 घंटा चलाया जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे हम कि एक दिन में कितना एनर्जी यूज कर रहा है रेफ्रिजरेटर, हम वो निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकाल देंगे कि 30 दिन में कितना यूज किया रेफ्रिजरेटर, वो निकालेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनल आंसर निकालते हैं। तो पहले काम करते हैं एक दिन में कितना एनर्जी यूज कर रहा है, तो एक दिन में कितना घंटा चला रहा है 8 घंटा चला रहा है।
तो टाइम कितना ले लेंगे हम लोग, 8 आवर। क्लियर। अच्छा पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब पावर गिवन है ये इक्वल टू, पावर गिवन है हाउ मच, 400। तो रख लिए। टाइम कितना बोला है, 8 घंटा। तो ये कितना हो गया जी हमारा, इक्वल टू हो गया 8 × 32 एंड देन 20। ये देखिए क्या आया है, ध्यान से देखिएगा, ये 400 वाट 8 आवर, आवर है ना, तो आवर का जगह एच रख दिया, तो यहां पे क्या जाएगा, वाट आवर, यानी कि एनर्जी कितना आ गया, 3200 वाट आवर। ये कैसे लिखे समझे, पावर क्या दिया था, 400, तो यहां पे वाट होता, हमने मिस किया था। टाइम कितना दिया, 8 घंटा आवर। तो देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो 3200 हो गया वाट आवर, 3 वाट आवर। क्लियर। ये जो एनर्जी आया है, ये एनर्जी रेफ्रिजरेटर एक दिन में यूज कर रहा है, कितने दिन में, एक दिन में ये यूज किया, यानी कि वन डे में जो रेफ्रिजरेटर एनर्जी यूज कर रहा है ये है। हमें कितना दिन के लिए बोला है, 30 दिन के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि 30 डे में ये कितना एनर्जी यूज कर देगा। तो बोलेंगे सिर्फ सिंस वन डे में कितना एनर्जी यूज कर रहा है, 3200 वाट आवर, यर फॉर 30 डे में कितना हो जाएगा, 30 × 3200। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 6900 वाट आवर, यानी कि पूरे 30 डे में कितना एनर्जी यूज कर रहा है, 96000 वाट आवर। क्लियर। अब सुने ध्यान से, ये एनर्जी आपका आ गया 30 डे का, टोटल एनर्जी 30 डे का आ गया। अब इसको एक काम करें, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करें। क्यों, क्योंकि यहां देखिए यहां पे किलो वाट आवर के हिसाब से पैसा दिया है। अब ध्यान सुनेंगे यहां पे कि क्या इसको हम ऐसे, अगर है तो क्या ये 3 जीरो को 1000 लिख सकता हूं, कुछ ऐसा देखना, और ये 1000 को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, तो के डब्ल्यू एच, यानी कि 30 दिन में कितना एनर्जी यूज किया है रेफ्रिजरेटर, तो 96 किलोवाट आवर। ये क्या एनर्जी का ही यूनिट है, हमने सोचना कि कोई और यूनिट हो गया, नहीं, हमने 1000 को सिर्फ रिप्लेस किया है, कैसे, अभी भी यूनिट किसका, एनर्जी का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पूरे 30 दिन में वो कितना किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर रहा है, 96 किलोवाट आवर। तो देखिए यहां पे क्या दिया है, इसको समझना है, 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, यानी कि इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर में कितना रुपया है, 3 रुपया है ना। तो कितना दिन में बताना है, 30 दिन में, 30 दिन में कितना यूज हुआ है, 96 किलोवाट आवर, यानी कि 96 किलोवाट आवर में कितना होगा, तो 3 × 96 18 × 27 1/28। तो मैं इस क्वेश्चन को समराइज कर दे रहा हूं कि एक रेफ्रिजरेटर था जिसका पावर 400 था, 8 घंटे वो चलाया जा रहा था, तो 30 दिन में पूछ रहा था कितना खर्च हो जाएगा, जबकि 1 किलोवाट आवर का कितना पैसा था, 3 रुपया था। तो हमने क्या किया कि एक दिन का पहले हमने निकाला कि एनर्जी कितना यूज करा एक दिन में रेफ्रिजरेटर, उसके बाद हमने 30 दिन का निकाला, फिर उसको क्या किया, कन्वर्ट किया किलोवाट आवर में, तो 1 किलोवाट आवर में 3 था, तो जो कन्वर्ट किए थे 30 दिन का उससे मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 96 किलोवाट आवर में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल पैसा हमें मिल गया। यानी कि जब इस रेफ्रिजरेटर को हम 30 दिन यूज करेंगे तो हमें कितना खर्चा पड़ जाएगा, 288 रुपये। यहाँ पे भी बोल सकता था 7 रुपया 5 रुपया 10 रुपया भी बोल सकता था, यहाँ पे जितना बोलता उतना से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर। यहाँ पे एसी भी बोल सकता था, 1 किलोवाट आवर हटा के यूनिट भी कर सकता था, कैसे बोल सकता था यहाँ पे कि पर यूनिट भी बोल सकता था। अरे तो यूनिट बोला है तो 1 यूनिट में तो 1 किलोवाट आवर ही तो होता है, यहाँ पे बोल सकता था कि 7 पर यूनिट 7 रुपीज पर यूनिट बोल सकता, यानी कि 1 यूनिट में 10 रुपया है 50 रुपया, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर ही। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच
यूजेस मोर एनर्जी और 250 वाट टीवी सेट इन वन आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, एक टीवी सेट दिया हुआ है और एक टोस्टर दिया हुआ है। टीवी सेट को एक घंटे तक चलाया जा रहा है, टोस्टर को 10 मिनट तक चलाया जा रहा है। कहता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन यूज कर रहा है, क्लियर। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले टीवी सेट कितना एनर्जी यूज कर रहा है ये निकालेंगे, फिर उसके बाद टोस्टर कितना एनर्जी यूज कर रहा है ये निकालेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे जिसका ज्यादा होगा एनर्जी हम बोल देंगे कि वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन वन का सोल्यूशन। टीवी सेट के लिए बात करते हैं, फोर टीवी सेट। तो टीवी सेट का पावर कितना दिया हुआ है, 250 वाट। एंड देन कितने देर तक चलाया जा रहा है, एक घंटे तक। तो काम करते हैं, टाइम कितना ले लेते हैं, वन आवर। चलिए एनर्जी निकालते हैं, तो P इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई P इंटू टी। पावर कितना है, 250। टाइम कितना दिया है, एक। तो कितना हो गया, 250 वाट। चेंज नहीं किए हैं इसको, आवर नहीं रहने दिए, इसको आवर रहने दिए। यानी कि टीवी सेट कितना एनर्जी यूज कर रहा है, 250 वाट आवर। चलिए अब एक काम करते हैं, टोस्टर का निकाल लेते हैं। टोस्टर का निकालता हूं, फोर टोस्टर। तो टोस्टर का देखिए पावर कितना दिया हुआ है, 1200। एंड टाइम यहां पे दिया हुआ था 10 मिनट। अभी 10 मिनट को ने काम करते हैं आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाट आवर में है तो कंपेरिजन करना है, तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए तो 60 मिनट में एक घंटा होता है, तो एक मिनट में 1/60, 10 मिनट में बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कट गया यानी कि 1/6 आवर, यानी कि कितना गया, 1/6 आवर। अब एक काम करते हैं, P इक्वल टू E बाय क्या होता है, T क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू P इंटू टी। पावर कितना, 1200। टाइम कितना, 1/6। ये कितना हो गया, 200, यानी कि एनर्जी कितना हो गया, 200 वाट आवर। ये 200 वाट आवर जो एनर्जी आया है ये कौन यूज किया है, ये टोस्टर का यूज किया है, ये टोस्टर ने यूज किया है। तो यहां से देखेंगे, टीवी सेट कितना यूज किया, 250 वाट आवर, एंड टोस्टर कितना किया, 200। अब बताइए देखकर कौन ज्यादा यूज कर रहा है, अफकोर्स टीवी सेट का सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, टेंशन हमारा क्या होगा, टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी, यानी कि टीवी सेट सबसे ज्यादा यूज करेगा, क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 50 एम्पियर फ्रॉम दिस सर्विस मेन फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक हीटर है, उस हीटर के पास कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम का, और वो हीटर कितना करंट रो कर रहा है, 15 एम्पियर। कहां से, मेन सर्विस से, मेन सर्विस यानी कि जहां से सप्लाई किया जा रहा होगा वहां से, क्लियर। कितने देर तक, 2 घंटे तक। अब कहता है कि उस हीटर में किस रेट से हीट डेवलप कर रहा है वो बताइए, क्लियर। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पे है, यहां पे आपको फंसाया रहा है, बाकी तो इजी है। देखिए क्वेश्चन में सिंपल है कि हीटर है, वो हीटर के पास रेजिस्टेंस है, कितना दिया है, 8 ओम दिया हुआ है, यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर अगर 5/4 की बात करें तो आर कितना दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ है। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, आई दिया हुआ है 15 एम्पियर। एंड देन टी कितना दिया हुआ है, 2 आवर।
क्लियर। अब कहता है कि इस हीटर में कितना किस रेट से हीट डेवलप कर रहा है, तो देखिए आपको इस जगह समझना है कि एक्चुअली में क्या निकालने के लिए बोला है। कितना लोग बच्चा इसमें क्या क्या करते हैं कि हीट निकाल देते हैं, नहीं हीट नहीं निकालना है। यहाँ पे पूछा है कि किस रेट से हीट डेवलप कर रहा है। हीट क्या होता है, एनर्जी होता है। और आप पावर का डिफिनेशन में आपको क्या बताया हूं कि जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करे यानी एनर्जी कंज्यूम करे, डिसिपेट करे, उसको हम लोग पावर कहते हैं। यहाँ पे तो हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि एनर्जी हो रहा है, यानी कि जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगा वो निकालना, यानी कि हमें पावर निकालना है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पावर निकालना है। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी है, पे ई को रिप्लेस कर दे रहे हैं एच टी से। यहाँ पे एनर्जी को हम एच से रिप्लेस किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कौन सा है, हीट एनर्जी, दैट्स व्हाई यहाँ पे हीट कर दिया यानी कि एच। एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब ये वाला क्या करेंगे हम यहाँ पे रख देंगे, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी बाई टी। इस जगह पे हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये कट गया, बच गया आई स्क्वायर। आई की वैल्यू हाउ मच, 15 रख दो, 15 का स्क्वायर। आर कितना, 8 हो गया, ये कितना होगा 225, ये 8, ये तुम्हारा 40 16 20 16 18 हो गया, यानी कि आंसर तुम्हारा कितना हो गया, 18 वाट। क्लियर, पावर पूछा था, हीट एनर्जी नहीं पूछा था। हीट एनर्जी किस रेट से डेवलप हो रहा है ये पूछा था, क्लियर। इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कितना बच्चा हीट निकाल के बैठा हुआ है जबकि यहाँ पर रेट वर्ड यूज किया है, और रेट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं। क्लियर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट। ये समझे क्या है, देखिए एक बल्ब है और उस बल्ब पे रेट किया गया है 200 वोल्ट एंड 100 वाट। देखिए बल्ब देखे होंगे आप लोग कि बल्ब के जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है वहां पे एक मोहर मारा होता है राउंड करके, मोहर ने मतलब एक मार्क किया होता है, उसमें देखिए कुछ वाट लिखा होगा, कुछ वोल्टेज लिखा हुआ होगा, वो जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग रेटेड वैल्यू बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू या डिजाइन वैल्यू, उसको डिजाइन वैल्यू भी कहा जाता है। क्लियर, यानी कि एक बल्ब है और उस बल्ब पे 200 वोल्ट एंड 100 वाट लिखा हुआ है, यानी कि रेट किया गया है। ये समझ गए आप लोग। अब कहता है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, इस बल्ब के ऊपर 200 वोल्ट एंड 100 वाट लिखा हुआ है, यही भी लिखा होता है, देखे होंगे आप लोग। अब कहता है कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए पोटेंशियल कितना दिया है इसका, 200 वोल्ट, पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट। अब रेजिस्टेंस पूछा है तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, याद कीजिए, याद है, गुड। अब यहां पे देखिए हम पोटेंशियल का यूज करेंगे एंड आर का यूज करेंगे, तो देखिए पावर कितना दिया है 100 तरफ दिए, बी कितना दिया है 200, तो 200 का स्क्वायर आर। अब आर यहां रखेंगे, 100 यहां कर देंगे, आर यहां पे 200 इंटू 200 और नीचे कितना रहेगा 100, रिप्लेस कर दिए इसे, वाओ वाओ कट गया, अरे 400, सिंपल। यानी कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा 400। क्लियर, वेरी गुड। अब आगे क्या बोला है कि 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर, ऐसे ही 5 बल्ब है जो कि 4 घंटे तक चलाया जा रहा है या ग्लो कर रहा है। मतलब ऐसा ऐसा 5 बल्ब और है एंड वो 5ों बल्ब को 4 घंटे तक जलाया जा रहा या ग्लो कर रहा है। क्लियर,
कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अब ये पांचों बल्ब मिलकर टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा ये निकालना है। यानी कि ऐसा ही साहब पांच गो बल्ब है और पांचों बल्ब को चार घंटे तक जलाया जा रहा है, बल्ब मतलब जलाया ग्लो कराया जा रहा है ना। अब कहता है कि सारे मिलकर कितने एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो निकालो। क्लियर? तो एक काम करते हैं, पहले एक का निकाल देते हैं एंड देन फिर पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि पांचों एक ही जैसा है तो एक जितना करेगा पांच उतना ही करेगा। तो एक का निकालो, पांच से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकल जाएगा मेरा। क्लियर? गुड। तो एक काम करते हैं, एक का निकालते हैं। अब यहां पे देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, कितने देर तक चलाया जा रहा है, पांच घंटे तक, यानी कि पांच आवर। क्लियर? पावर कितना दिया उस बल्ब का, 100 वाट दिया है तो 100 वाट हो गया। क्लियर? अच्छा एक चीज और, एनर्जी पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। पावर की जगह 100, टाइम की जगह पे 5। ओहो ओहो, तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 वाट आवर। इसमें हम वाट में ही रखें और इसको टाइम को आवर में ही रखें। सॉरी सॉरी, टाइम इज 4 आवर, ये 4 आवर है। यहां पे कितना हो जाएगा, 400 वाट आवर। ये जो एनर्जी आया है ये वन बल्ब का आया है और यहां पे टोटल बल्ब कितना है, 5 है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम 5 × 400 यानी कि 2000। हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पांचों एक ही जैसा है तो एक में अगर कर रहा है मान लो 400 तो पांच में कितना करेगा, जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो गया 2000। यानी कि टोटल एनर्जी पांचों मिलकर चार घंटे में कितना कंज्यूम कर रहा है, 2000। क्लियर? अब इसको चाहे तो आप यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं किलो वाट आवर में। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1000, यानी कि इसको हम के कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 किलो वाट आवर, यानी कि 2 किलो वाट आवर कंज्यूम कर रहे हैं पांच मिलकर चार घंटे में। आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट होता है, तो 2 किलो वाट आवर में कितने यूनिट हो जाएंगे, 2 यूनिट। यहां तो कोई दिक्कत। अब आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ, 1 यूनिट में कितना पैसा दे रहा है, 50 रुपए। अब कहता है कि 5 बल्ब को 4 घंटे तक जलाया जा रहा है तो बताओ कितना कॉस्ट होगा, जबकि 1 यूनिट का पैसा कितना है, 50 रुपया। क्लियर? तो देखिए हमारा 4 घंटे में पांचों को मिलकर कितना यूनिट खर्चा कर रहे हैं, 2 यूनिट। क्लियर? तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 यूनिट का कितना पैसा है, 50 रुपया। हम कितना खर्चा किए हैं यूनिट, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 50 से तो 100। वाह, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करो। देख रहे हो ना, 5 बल्ब मिलकर तुम्हारा 2 यूनिट जब खर्चा हुआ तो 100 रुपया का खर्चा हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या था, सिंपली समराइज कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बल्ब था, उस बल्ब पे डिजाइन किया हुआ था, रेटेड किया हुआ था कितना, 200 वाट। क्लियर? अब उसका रेजिस्टेंस पूछा जो हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद कहता है कि ऐसा ही सिमिलर 5 बल्ब को 4 घंटे तक जलाया गया, अब बताओ टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, तो हमने निकाला। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक का निकाला फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सबका एक ही जैसा होगा। गुड। उसके बाद फिर बोला कि कितना कॉस्ट लगेगा, तो हमने क्या किया कि देखा कि 1 यूनिट का कितना पैसा है, 1 यूनिट का 50 रुपया था, तो हमने देखा कि 4 घंटे में 5 बल्ब चलाने के बाद कितना हमारा यूनिट खर्च हुआ है, तो हमने देखा 2 यूनिट। तो 1 यूनिट में 50 और 2 यूनिट में 100 रुपया। क्लियर? 2 क्वेश्चन और अभी हम लोग करेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी चार ऑप्शन दिया है क्लियर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो कंडक्टिंग वायर है दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है दोनों का इक्वल लेंथ है दोनों का डायमीटर भी क्या है इक्वल है। अब दोनों को पहले कनेक्ट किया जाता है सीरीज में उसके बाद पैरेलल में क्लियर। अब पूछता क्या है कहता क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस हुआ है सीरीज में और जो हीट पैरेलल में प्रोड्यूस हुआ है उन दोनों का रेशियो होना चाहिए या तो ये वाला या तो ये या तो ये या तो ये क्लियर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे मेन चीज क्या पूछा है हमसे पूछा है कि जो हीट सीरीज में प्रोड्यूस हुआ है और जो हीट पैरेलल में प्रोड्यूस हुआ है उन दोनों का रेशियो क्या होगा तो इन्हीं चार में से कोई एक होगा क्लियर। तो चलिए हम लोग काम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो कंडक्टिंग वायर है एंड दोनों का लेंथ क्या है सेम है तो दोनों का लेंथ हमने सेम कर लिया दोनों का डायमीटर सेम है तो दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या होगा सेम होगा। अब ये जिस मटेरियल का है ये भी वही मटेरियल का है यानी कि सब कुछ सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा। तो इसके पास मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है तो इसके पास भी क्या होगा आर होगा। एक काम करते हैं इसके पास जो रेजिस्टेंस है उसको आर वन मान लेता हूं और इसके पास जो रेजिस्टेंस उसको आर टू मान लेता हूं दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गया इससे। अब देखिएगा अब कहा है कि दोनों को कंबाइन किया गया पहले सीरीज में तो इन दोनों को क्या करते हैं सीरीज में कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन किसमें किया गया एक सर्किट में किया गया एक सर्किट लगा देते हैं और सर्किट में एक बैटरी लगा देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये है। अब इन दोनों को जब हम सीरीज में कंबाइन किए हैं तो इसके पास रेजिस्टेंस आर वन क्या है आर है इसके पास आर टू क्या है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस आर वन प्लस आर टू आर वन की जगह पे आर आर टू जगह आर यानी कि टू आर यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया टू आर। अब तो हम इरेज कर रहा हूं डायग्राम को सबको यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया आर एस टू आर आया क्लियर। अब इस कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हम निकालेंगे तो चलिए हीट कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन में हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालते हैं। एच इक्वल टू हमने क्या माना था आर स्क्वायर आर। अब इस केस में अगर हम हीट निकाल रहे हैं तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या है वो लिखेंगे इस केस में रेजिस्टेंस क्या है आर एस को आर एस कर दिया एंड देन करंट क्या है क्लियर। अब इस केस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए हम एच एस लिख देते हैं यानी कि हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर। चलिए ओम्स लॉ लगा इसमें लगाते हैं तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर एस करंट कितना आई रेजिस्टेंस कितना आर एस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है yes. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर एस इसके जगह पे क्या करेंगे हम ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो चलिए रख दिया जाए तो एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V बाई आर एस का स्क्वायर आर एस डी वी स्क्वायर आर एस स्क्वायर आर एस इंटू टी ये क्या हो जाएगा एक कैंसल हो जाएगा तो देखिए हमारे पास क्या है एच एस इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर नीचे में एक बच जाएगा आर एस इंटू टी क्लियर यहां तक गुड। अब काम करते हैं इसको मैं यहां पे कहीं साइड में लिख देता हूं लास्ट में हमें यूज करना है इसको वी स्क्वायर बाई आर एस इंटू टी ये हम लास्ट में यूज करेंगे क्लियर।
अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, फिर बोला है किसमें कंबाइन करने के लिए, पैरेलल में कंबाइन करने के लिए। तो काम करते हैं और दोनों कंडक्टिंग वायर को क्या करते हैं, पैरेलल में कंबाइन करते हैं। इसके पास रेजिस्टेंस क्या है, आर वन आर है, और इसके पास रेजिस्टेंस क्या है, आर है। करंट मान लीजिए कितना फ्लो कर रहा है, आई कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां बी है तो इसको भी बी मिलेगा और इसको भी बी मिलेगा। एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट यहां पे पैरेलल में है तो पी यूज कर रहे हैं पैरेलल के लिए, तो दो रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, आर वन आर टू, आर वन प्लस, दोनों जगह आर आर रख दीजिए क्योंकि सब इक्वल है, तो ये हो गया आर स्क्वायर यहाँ पे टू आर, एक आर का आंसर यानी कि आर बाई टू, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, आर बाई टू। इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी कि आर पी कितना गया, आर बाई टू आ गया। चलिए अब हीट कितना प्रोड्यूस कर रहा है इस पैरेलल केस में, तो एच पी यानी कि हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर पी टी, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर यहां पे अगर बात करूं तो एच पी इक्वल टू यहां पे रख सकता हूं वी बाई आर पी, जिस तरह से वहां पे हमने रखा था, अरे यार वी इक्वल टू क्या होगा आई आर पी, आई इक्वल टू क्या होगा वी बाई आर पी, तो आई के जगह पर हमने क्या किया वी बाई आर पी रख दिया था ग्रुप। क्लियर, तो एच पी ये वी स्क्वायर आर पी का स्क्वायर आर पी इंटू टी, ये कैंसर तो क्या हो गया वी स्क्वायर बाई आर पी इंटू टी। यानी कि इस केस में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एच पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर पी टी, यही हो रहा है। अब हमसे जो पूछा है अब वो काम करते हैं, हमसे पूछा है कि जो हीट सीरीज में प्रोड्यूस हो रहा है जो पैरेलल में प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेशियो क्या होगा। क्लियर, तो पहले सीरीज वर्ड को यूज किया, देखिए क्वेश्चन में पहले सीरीज वर्ड को यूज किया उसके बाद पैरेलल, तो क्या करेंगे हम जो सीरीज में हीट आया है उसमें हम पैरेलल वाले हीट से डिवाइड करेंगे, याद रखेंगे एक चीज। क्लियर, अगर यहां पे पैरेलल होता तो हम क्या करते हैं सीरीज वाले से डिवाइड करते। क्लियर ना, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऑप्शन में देखिए यहां पे दो दिया हुआ है, एक ये भी और ये भी, तो कोई बच्चा ये मार देगा कोई बच्चा ये मार देगा, बट क्वेश्चन के हिसाब से पहले सीरीज वर्ड यूज किया है तो सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे पैरेलल से, बट अगर पैरेलल इस जगह पे होता तो पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है हम उससे डिवाइड करते सीरीज वाले से। क्लियर, वो दिखा दूंगा, यहां पे सीरीज पहले है तो एच एस बाई एच पी करेंगे, अगर यहां पे पैरेलल होता है और यहां पे सीरीज होता है तो यहां पे हम क्या करते हैं एच पी बाई एच एस करते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से काम करेंगे, यहां पर सीरीज है और यहां पे। क्लियर, तो हमें क्या करना होगा एच एस बाई एच पी, एच एस कितना है वी स्क्वायर आर एस इंटू टी, एंड एच पी क्या है ये आपका एच पी वी स्क्वायर आर पी इंटू टी, ये कट जाएगा ये कट जाएगा कट जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये आर एस नीचे आएगा आर पी ऊपर जाएगा, यानी कि देखिए कुछ आपका इस तरह से एच एस एच पी आर पी ऊपर आर एस नीचे, तो एच एस एच पी। अब ध्यान से सुनेंगे, आर पी कितना हमारा आया था, आर पी आया था आर बाई टू, आर पी कितना था आर बाई टू, आर एस कितना आया था टू आर, ये नीचे आएगा तो R बाई नीचे आएगा तो कितना होगा फोर आर, एक कट गया कितना हो गया वन बाई फोर,
कितना गया 1/4, यानी कि यहाँ पे आपका HS:HP का रेशियो आ गया 1:4, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। बट अगर यही यहाँ पे क्वेश्चन बदलाव कर देता है, यहाँ पे पैरेलल कर देता है, यहाँ पे सीरीज कर देता है, तो आपका ऑप्शन हो जाता डी हो जाता। क्लियर। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। एक चीज और यहां पे देखेंगे कि अगर यहां पे हम पैरेलल कर देते हैं और यहां पे सीरीज, तो यहां पे आंसर क्या हो जाता है, पैरेलल पहले HS, तो यहां पे क्या हो जाता, अभी हमारा कितना था आया, क्या था जी HP, क्या था हमारा V² RP × T, और यहाँ पे V² RS × T, कट जाता, RS ऊपर RP नीचे, तो RS/RP, RS क्या था 2R, और ये क्या था आपका R/2, ये 2 ऊपर R कैंसिल, यानी कि 4:1, यानी कि आंसर आपका लेता। क्लियर। इस क्वेश्चन का बनाने का मेरा मकसद यह था कि क्वेश्चन आपका NCERT का था। क्लियर। और इस क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन को बनाया, एक यहां पे सीरीज करके और यहां पैरेलल करके, और यहां पे एक बार पैरेलल करके यहां पे सीरीज करके। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग काम करेंगे कि जितने भी NCERT में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दिया हुआ उस सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अब जो नहीं बनेगा मुझे क्लास में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, ताकि मैं अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन पर एक लेक्चर बनाऊंगा। क्लियर। थैंक यू।